हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफ़ी एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं बेसिकली ITR इंटीमेशन से रिलेटेड डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो में मैं बेसिकली ITR इंटीमेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करूँगा, लाइक कि ITR इंटीमेशन क्या होता है, इसके टाइम लिमिट क्या है मिलने की, इन केस मेल नहीं आया है ITR इंटीमेशन का तो क्या करना है, या आपसे मेल मिस हो गया है तो कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका पासवर्ड क्या होगा, एक्सरसाइज, सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं बेसिकली इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड स्पेशली टैक्स सेविंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। इनकेस आप इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, ITR इंटीमेशन बेसिकली आपने जो ITR फाइल की होती है उससे डायरेक्टली लिंक होता है, राइट। सो आप क्या करते हैं, नॉर्मली ITR फाइल करते हैं अपनी, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, उस ITR को ऑनलाइन प्रोसेस करता है। तो जब ये रिटर्न प्रोसेस हो जाती है उनके सिस्टम जो होता है प्रोसेसिंग का ऑनलाइन, तो डिपार्टमेंट आपको एक इंटीमेशन भेजता है जिसको ITR इंटीमेशन बोलते हैं। एंड इसका जो सेक्शन होता है इनकम टैक्स में वो 143(1) होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जब भी आपको इंटीमेशन आता है ITR का, ये सेक्शन लिखा आता है तो तभी आप बोल सकते हैं कि ITR इंटीमेशन, ठीक है। तो जैसे ही आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी ऑनलाइन, आपको ITR इंटीमेशन आ जाएगा। तो इट मीन्स जब आप ITR फाइल करते हो तो आपको एज ए प्रूफ ITR एक्नॉलेजमेंट मिलती है, एंड जब आपका ITR प्रोसेस हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपको ITR इंटीमेशन भेजता है कि आपकी ITR प्रोसेस हो गई है। एंड ये जो बेसिकली इंटीमेशन डिपार्टमेंट भेजता है अंडर सेक्शन 143(1) भेजता है, जब भी आपको मेल आता है आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सेक्शन मेंशन होता है। तो इसमें बेसिकली जब भी ITR प्रोसेस होता है उसमें तीन टाइप की ITR इंटीमेशन आ सकती हैं आपको। बेसिकली एक तो होगा नो टैक्स ड्यू, इट मींस जो ऐसी आपने ITR फाइल की थी एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली गई है एंड आपके ITR में कोई टैक्स नहीं बनता था, ठीक है। एंड सेकंड आपका हो सकता है रिफ़ंड, कि आपने जो अपनी ITR फाइल की थी उसमें रिफ़ंड बन रहा था एंड डिपार्टमेंट ने जब उसको प्रोसेस किया इंटीमेशन को तो उसमें भी रिफ़ंड एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंड थर्ड आपका हो सकता है डिमांड, इट मींस आपने जो ITR फाइल की थी जब उसको प्रोसेस किया उसमें पता चला कि उसमें कुछ गलती हो गई थी आपके पार्ट पे, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाली है जो आपको पे करनी है। इट मींस जो भी आपको ITR इंटीमेशन आएगी वो इन तीनों में से एक कैटेगरी में फॉल करेगी, या तो नो टैक्स ड्यू वाला सीन होगा, आपका रिफंड होगा, या फिर आप पर डिमांड निकली होगी, ठीक है। एंड किस टाइप का मेल आता है वो मैंने आगे वीडियो में बताया है। सो आपके पास जो नो पेमेंट ड्यू का इंटीमेशन आएगा वो बेसिकली, देखिए डिपार्टमेंट ने ना कलर भी डिसाइड किए हुए हैं, इनकेस नो पेमेंट ड्यू का इंटीमेशन आएगा तो उसका कलर ब्लू होगा, ठीक है, ब्लू कलर में आएगा। एंड उसमें लिखा होगा देयर इज नो पेमेंट ड्यू, इट मींस जो आपने ITR फाइल की थी वो एज इट इज़ एक्सेप्ट हो गई है एंड आपकी ITR में कोई टैक्स ड्यू नहीं था। इट मींस आपने जो ITR फाइल की है उसकी अकॉर्डिंग आपको ना तो कोई टैक्स पे करना है फर्दर एंड ना ही आपको कोई टैक्स एज अ रिफंड मिलेगा। एंड सेकेंड जो मैंने टाइप बताया था ITR इंटीमेशन का, रिफंड, तो इसमें देखिए इसका कलर नॉर्मली डिपार्टमेंट ने ग्रीन रखा है, इट मीन जो भी रिफंड की इंटीमेशन आती है वो ग्रीन आती है। ये देखिए कोई लॉ नहीं है कि ग्रीन ही आएगी, जस्ट एक मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें लिखा हुआ है यू हैव अ रिफंड, ठीक है। तो जब भी मेल आएगी तो उस पर लिखा होगा प्रॉपर कि जो आपकी इंटीमेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिफंड बन रहा है। ऐसा नहीं है कि इंटीमेशन में बन रहा है, इट मीन्स जब आपने ITR फाइल की होगी उसमें आपका रिफंड बन रहा होगा एंड डिपार्टमेंट ने जब इसको प्रोसेस किया तो उसने भी आपका रिफंड को एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज़ एंड आपको कंफर्मेशन भेजती है, राइट। एंड थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताया था डिमांड पेबल, इट मींस आपने जो अपनी रिटर्न फाइल की थी उसमें कुछ इशू था, गवर्नमेंट ने जब उसको प्रोसेस किया ITR को तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने डिमांड निकाली है जो आपको पे करनी पड़ेगी। एंड इसका कलर बेसिकली डिपार्टमेंट ने रेड रखा है, ठीक है। एंड इसमें यहाँ लिखा हुआ है यू हैव ए डिमांड, ठीक है। तो इट मींस आपको डिमांड पे करनी होती है, इन केस आप एग्री नहीं करते हो तो आप डिपार्टमेंट को बेसिकली रेस्पॉन्ड कर सकते हो अकॉर्डिंगली। देखिए जब भी आपके पास ये ITR इंटीमेशन आता है, चाहे कोई सा भी टाइप हो, नो पेमेंट ड्यू हो या रिफंड का मैटर हो या आपका डिमांड पेबल हो, तो सभी में जो ये मेल आता है इसमें नीचे एक फाइल अटैच होती है जिसमें डिटेल में कंपैरिजन होता है कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन इनकम डिक्लेयर की थी ITR में एंड डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या इनकम होनी चाहिए, क्या टैक्सेस होनी चाहिए, दोनों का कंपैरिजन होता है। तो वहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है।
एंड उसको मैंने आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि किस टाइप का होता है इंटीमेशन एंड क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखिए, आपके ITR इंटीमेशन से रिगार्डिंग अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, तो आपका जो ITR इंटीमेशन आता है उसमें बेसिकली डिपार्टमेंट आपके ITR को असेसमेंट करता है ITR का, एंड इसमें आपकी अर्थमेटिकल एरर कुछ होंगी या कुछ ITR में मतलब आपने सही वैल्यूज़ नहीं डाली है, टैक्सी कैलकुलेशन सही नहीं किया, इस टाइप की एरर को डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट करता है। और ये जो बेसिकली ITR इंटीमेशन होती है ये 100% कंप्यूटराइज होती है, इसमें किसी का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, 100% आपका कंप्यूटर के द्वारा ही प्रोसेस होती है। एंड देखिए, जब आपके ITR इंटीमेशन का मेल आता है तो उसमें आपको एक फ़ाइल मिलती है, ठीक है, अटैचमेंट, एंड वो फाइल बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। एंड उसका पासवर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आपका पैन नंबर होता है लोअर केस में, एंड आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है इस फॉर्मेट में, DDMMYYYY, इट मीन्स विदाउट डैश या स्लैश के। तो इट मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, लेट सपोज ये किसी का पैन नंबर है एंड ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया पैन नंबर स्मॉल में, इन्होंने देखो पैन नंबर स्मॉल में लिखा एंड अपनी डेट ऑफ बर्थ DDMMYY, तो देखो DDMMYY, तो इट मीन्स ये जब एक साथ डालेंगे तो वो उसका पासवर्ड बनेगा, ठीक है। ये मीन्स जो भी आपका होगा ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली क्लाइंट टू क्लाइंट। एंड देखो, टाइम लिमिट की बात करूँ कि टाइम लिमिट क्या होती है ये ITR इंटीमेशन आने की, देखिए ITR इंटीमेशन एक प्रूफ होता है कि आपकी ITR ऑनलाइन प्रोसेस हो गई है 143(1) में, ठीक है। एंड इसका जो गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट है ये रखा है 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया है। लेट सपोज मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करूँ, तो इस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जो बेसिकली जाएगी आपकी 2022-23 में जाएगी। तो लेट सपोज इस ईयर में आपने फाइल की, तो डिपार्टमेंट के पास टाइम है 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड, मींस नेक्स्ट ईयर मतलब 2023-24 तक वो आपका इंटीमेशन भेज सकते हैं, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है। तो 2024 मतलब 31 मार्च 2024, ये बेसिकली डेडलाइन है। इस डेडलाइन से पहले पहले डिपार्टमेंट को ITR प्रोसेस करके आपको ये इंटीमेशन भेजना है, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है विद इन ए वीक इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, तो ऑन एन एवरेज मैंने देखा है 2-3 महीने में ये इंटीमेशन आ जाता है, एंड बहुत कम केसेस में 6 महीने या साल भर लगता है, ठीक है। तो इन केस आपको ITR इंटीमेशन नहीं आया है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप जस्ट डेडलाइन का देख लेना कि डेडलाइन जस्ट निकली नहीं हो। इन केस डेडलाइन निकल चुकी है तब तो आपको डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट करना है कि डेडलाइन निकलने के बाद भी आपने ITR इंटीमेशन नहीं भेजा है। तो वैसे इस टाइप का केस होता नहीं है, एंड ये हो सकता है कि ITR इंटीमेशन आया हो बट आपने मेल मिस कर दिया हो, तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाके। तो वो मैंने आगे इस वीडियो के लास्ट में बताया है कि कैसे डाउनलोड करना है ITR इंटीमेशन ऑनलाइन। एंड इन केस डिपार्टमेंट ने प्रोसेस नहीं किया, आपको लगता है कोई कंसर्न है, तो आप इनकम टैक्स की साइट पर ऑनलाइन जाके अपना ग्रीवेंस या कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। एंड देखिए, जो आपको ITR इंटीमेशन मिला है आपको लग रहा है उसमें कुछ गलती है, तो आप उसको रेक्टिफिकेशन के लिए डाल सकते हो, इट मीन आप करेक्शन के लिए डाल सकते हो कि आपने जो इंटीमेशन भेजा है ITR का वो सही नहीं है। सो ये रेक्टिफिकेशन बेसिकली आपको सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 में डालना होता है करेक्शन के लिए, करेक्शन ऑफ मिस्टेक अपेयरिंग इन सेक्शन 143(1) इंटीमेशन, ठीक है। वैसे नॉर्मली करेक्शन होता नहीं है, इन केस आपको लगता है कि करेक्शन की ज़रूरत है तो आप 154(1) में रेक्टिफिकेशन के लिए डाल सकते हो। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीमेशन बेसिकली आपको 3 टाइप की आ सकती है, राइट। सो ये 3 टाइप मैंने आपको इंटीमेशन के बताए थे, इन 3 टाइप की इंटीमेशन आपको आ सकती है। तो आपको बेसिकली देखिए, इन केस नो टैक्स ड्यू का इंटीमेशन आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इट मीन्स जस्ट आपको प्रूफ मिल गया कि आपने जो ITR फाइल की थी एज इट इज़ प्रोसेस हो गई है, ठीक है। तो आपको फर्दर कोई एक्शन नहीं लेना है। इन केस आपका रिफंड बन रहा था एंड सेम अमाउंट आपके रिफंड की मिल जाती है आपको इंटीमेशन में, ये कंफर्म हो गया, तो भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको रिफंड का वेट करना है जो कि नॉर्मली 1 वीक टू 10 डेज में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। एंड आपका
थर्ड टाइप था कि आपकी डिमांड निकली है, तो इट मीन जब भी ये आपका इंटीमेशन आता है डिमांड वाला, तो उसमें बेसिकली आपका पेमेंट का चालान भी होता है, ठीक है। तो उस चालान पर पेमेंट करने का ऑप्शन भी होता है, आप क्लिक करके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इट मीन जब ये इस टाइप का इंटीमेशन आएगा तो आपको पेमेंट भी करनी होती है। अगर आप एग्री कर रहे हैं कि इंटीमेशन ठीक है, डिमांड हम मतलब डिमांड जो आई है वो करेक्ट है, आपको पे करना है, तो आप जो भी उसमें चालान होगा उसमें पेमेंट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन है, आप एग्री नहीं करते हैं तो आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना होगा। रेक्टिफिकेशन ऑनलाइन फाइल होता है, जिसके बाद आपकी ITR दोबारा प्रोसेस होगी एंड आपको अगेन ITR इंटीमेशन मिलेगा। तो बेसिकली ये इंटीमेशन है, मैंने जैसे इसको पासवर्ड डाल के ओपन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि किस टाइप का होता है। देखिए इस इंटीमेशन में नाम, एड्रेस, आपका किस असेसमेंट ईयर का है, सारी डिटेल मेंशन होती है, ठीक है। डिमांड भी इसमें लिखी हुई होती है, ठीक है, सारी डिटेल की। सो ये इंटीमेशन बेसिकली आपको दो लैंग्वेज में दी होती है सेम फाइल में, एक तो आपको हिंदी में सब समझाया होता है जैसे यहाँ पर है, ठीक है, हिंदी ये भी आपको हिंदी में एंड ये भी है एंड आपको चालान दिया हुआ है, ये सब हिंदी में है। जिसको हिंदी समझ आती है वो इसको देख के समझ सकता है एंड जिसको हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है जो, तो उसके लिए बेसिकली इंग्लिश में भी सेम चीज़ दी होती है जो आगे हिंदी में दी हुई थी। तो मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। तो देखिए ये जो बेसिकली डिमांड आई है, ये डिमांड अमाउंट भी लिखे रहते हैं कि कितनी आपकी डिमांड है एंड सारी डिटेल होंगी किस ईयर की क्या है एंड ऑल डेट्स वगैरह। इसमें देखिए कंपैरिजन दिए होते हैं बेसिकली अमाउंट इन रुपीज़ एज प्रोवाइडेड बाई टैक्स पेयर ने जैसा डिपार्टमेंट को दिया है। इट मीन्स ये ITR की बात कर रहा है कि जब हमने ITR फाइल की होगी तो ये वाली डिटेल दी होंगी जो इस कॉलम में है एंड एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1). तो इट मीन्स जब डिपार्टमेंट ने कंप्यूटेशन करा उसके हिसाब से क्या फाइनल हुआ है, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या फाइनल हुआ। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, लाइक टोटल इनकम में कोई डिफरेंस तो नहीं है, ये सेम है, देखिए कोई डिफरेंस तो नहीं है, सेम है। यहाँ पे देखिए नेट अमाउंट पेबल जो भी डिफरेंस होता है ये यहाँ पे देते हैं, बट इनकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन केस कहीं पर डिफरेंस होता है तो यहाँ पे शो हो जाता है। इसकी डिटेल इन्होंने आगे दी है कि यहाँ तो बेसिकली ये समरी थी इन टोटल, ठीक है, कि आपका टोटल इनकम कितना बना, टैक्सेस, आपका TDS, इंटरेस्ट एंड ऑल, ओवरऑल बेसिस पे। यहाँ पे ये डिटेल देते हैं लाइक आपकी सैलरी में कोई मिसमैच है या नहीं, देखिए हमारा मैच कर रहा है, कोई मिसमैच नहीं था, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जीरो थी, कोई मिसमैच नहीं है अदर सोर्स में, ये बेसिकली यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम इतना आया एंड डिपार्टमेंट की तरफ से इतना, इट मीन कोई मिसमैच नहीं है एंड ये डिडक्शन भी देखिए सारा हमारा मैच कर रहा है एंड फिर हम देखेंगे टैक्सेस की डिटेल, ये भी मैच कर रही है हमारी एंड लास्ट में ये इंटरेस्ट वगैरह भी आएंगे 522 एंड प्रीपेड टैक्सेस जो थे वो भी इतने ही थे, बट स्टिल ये डिमांड आ रही है। देखिए इन क्लाइंट के साथ क्या हुआ था, देखिए नॉर्मली क्या होता है कहीं ना कहीं ITR में डिफरेंसेस होता है उसकी वजह से डिमांड निकलती है, बट इन आपने देखा होगा इस केस में कोई भी डिफरेंस नहीं था बट स्टिल इनकी डिमांड थी। तो इनका कुछ स्पेशल केस था कि इनको ना इनकम टैक्स का रिफंड आ गया था, तो इनकम टैक्स के रिफंड के केस में बेसिकली कंप्यूटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो जस्ट इनको रिफंड आ गया था, वो रिफंड दोबारा डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाल दी थी। तो इट मीन जो ITR फाइल की थी वो ठीक थी हमारी, बट कभी कभी क्या होता है इंटरेस्ट में या डिफरेंस आ जाता है, टोटल इनकम में डिफरेंस आ जाता है या टैक्सेस जो पे किए हैं उसमें कहीं डिफरेंस होता है, तो उस टाइप से डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस के बेस पर डिमांड निकल जाती है, ठीक है। एंड जो ये इनका बेसिकली डिफरेंस आया है उसी के बेस पर इन्होंने ये डिमांड का पूरा चालान भी ये बना के देते हैं, इसमें सारा कुछ ऑटोफिल होता है, डिमांड अमाउंट हो गया, डिमांड नंबर एंड ऑल। एंड आप क्लाइंट को क्या करना होता है, जस्ट इस पर क्लिक करना होता है, क्लिक हियर टू पे टैक्स जो भी इनकी डिमांड निकली है। इनकेस क्लाइंट को लगता है डिमांड जेन्युइन है तो इस पर क्लिक करके पे कर सकते हैं, इनकेस लगता है डिमांड जेन्युइन नहीं है तो इसी इंटीमेशन में बेसिकली लिखा होता है कि आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। रेक्टिफिकेशन जो फाइल करनी होती है उसकी भी बेसिकली एक टाइम लिमिट होती है, तो मेक श्योर कि आप टाइम से रेक्टिफिकेशन फाइल कर दें। एंड दूसरा जो इसमें डिमांड निकली है बेसिकली उसकी भी टाइम लिमिट होती है कि विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ दिस इंटीमेशन आपको पे करना होता है। इट मीन्स जब भी आपको ये इंटीमेशन मेल मिला है डिमांड वाला एंड आप एग्री कर रहे हैं कि डिमांड करेक्ट है तो आपको विद इन 30 days पे करना होता है, राइट। आगे मैं बताऊँगा इनकेस ये इंटीमेशन आपको मेल में नहीं आया है या आपसे मिस हो गया है तो ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे डाउनलोड करना है। आपको बेसिकली इनकम टैक्स का लॉगिन कर लेना है एंड इस टाइप से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ई फाइल पे क्लिक करना है, ई फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है एंड व्यू रिटर्न फाइल पे क्लिक करना है।
उसके बाद ये होम पेज आपका आ जाएगा। इसमें देखो आप जैसे ये इस साल की रिटर्न फाइल की थी एंड उसमें सारा डिटेल आ जाता है। देखिए वैसे इंटीमेशन का लिंक यहाँ पे आ जाता है डाउनलोड करने के लिए, बट इस साल की ITR अभी प्रोसेस नहीं हुई है तो इसलिए वो लिंक नहीं आ रहा है डाउनलोड करने के लिए। बट आगे मैं नेक्स्ट मतलब इससे लास्ट ईयर में जाऊँगा, इससे पिछले साल, तो वो मेरी ITR प्रोसेस हो चुकी है, उसमें इस साइड में आ रहा होगा। तो देखिए मैं नेक्स्ट ईयर चलता हूँ, तो देखो इस साल में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस साल में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनकेस आपको यहाँ भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो व्यू पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा एंड यहाँ पे भी आप अंदर जाके चेक कर सकते हो। इनकेस है डाउनलोड का ऑप्शन तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो अपना ITR इंटीमेशन। एंड जब आपका इंटीमेशन डाउनलोड हो जाएगा तो मैंने आपको पासवर्ड बता दिया था कि आपका पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके बेस पे आप इंटीमेशन ओपन कर सकते हो। एंड मैंने एक इंटीमेशन आपको ओपन करके भी दिखा दिया था, राइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।